के संस्थापक श्री महेंद्र कन्नौज जो आदिवासी छात्र संगठन के पूर्व प्रवक्ता और संस्थापक है, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष है अनुसूचित जनजाति कल्याण संगठन अजाक्स और अध्यक्ष है स्वतंत्र पत्रकार संगठन। आज सभी पत्रकार मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के एक ऐसे आधार स्तंभ नए नौजवान जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र के अंदर अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जयेश जैसे संगठन को खड़ा करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसलिए अगर ये कहा जाए कि एक संस्थापक के नाते से जमीन पर रहकर के काम करने वाले ऐसे नौजवान आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आज वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। मैं आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं, और ये विश्वास देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर भाई और बहनों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए जो काम इस देश के अंदर किया है, आज उसका परिणाम है कि इस प्रकार के नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में जयेश से लेकर के अन्य और भी जो वहां के ऐसे सामाजिक संगठन है, हमारे मंत्री आदरणीय नागर सिंह चौहान जी और सब लोगों ने मिलकर के आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका स्वागत करता हूं। और महेंद्र भाई, मैं आज आपको एक बात जरूर कह सकता हूं कि आपको ये लगेगा कि मैं अपने परिवार में आज आया हूं। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगातार कई वर्षों से जो विकास और गरीब कल्याण को जो गति दी है, विकसित मध्य प्रदेश बनाए, आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर हम अग्रसर हैं। आपकी भी यह भूमिका, हमारे आदिवासी भाई बहन नौजवानों की भूमिका मध्य प्रदेश के इस विकास में और सुनिश्चित होगी। मैं आपको बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हम सबको संबोधित करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, नानी जी, आज अद्भुत हमारा अपना आज विशेष दिन है जिस आधार पर यहाँ आकर के हम सब इकट्ठा हुए हैं। संगठन और सरकार दोनों मिलकर के लगातार जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में देश में काम कर रहे हैं, मैं प्रदेश कदम से कदम मिलाकर के माननीय मोदी जी के सरकार के साथ जो उनके भाव है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, और यही कारण है कि जनता के बीच में हृदय की गहराइयों तक वो बात पेठ कर रही है, और उसी का परिणाम है कि जनता ने हमारे सबके सामने पहले प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार को बनाया, फिर 29 की 29 सीटें लोकसभा को दी, अभी विधानसभा भी जीते, और उपचुनाव के जीतने के बाद भी जैसे हमने सबने संकल्प लिया कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से राष्ट्रवादी विचार को अपनाने वाले लोगों का हम सब स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और खासकर हमारे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति इस क्षेत्र में और ज्यादा ध्यान देंगे। यही कारण है कि आज हमारे बीच में हमारे परिवार की वृद्धि हो रही है। भाई हमारे बीच में महेंद्र कन्नौज हैं जिनने अपने जयेश जैसे संगठन के आप संस्थापक में से एक रहे हैं, और आदिवासी छात्र संगठन जिसके पूर्व प्रवक्ता, संस्थापक और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संगठन अजाक्स अध्यक्ष, स्वतंत्र पत्रकार संगठन कुक्षी, अपनी एक अलग पहचान बना करके लगातार
निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति के नाते आपकी पहचान है और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात भी है कि आप ठीक समय पे ठीक निर्णय लेकर के आपने अपनी भूमिका तय की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आपका जो लंबे समय तक अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में जो आपने काम किया है, सरकार के माध्यम से आपकी भावनाओं के अनुरूप बीच की कुछ कमियां होगी उसको भी दूर करते हुए सबके हित में निर्णय लेने के लिए सरकार के साथ संगठन में आकर के आप हिम्मत दिखा करके हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हम एक और एक मिलकर 11 होंगे और इस ताकत से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर माननीय बीडी जी का, हमारे पूरे संगठन का भी आभार मानता हूं जिसके कारण से ये सुनहरा मौका आया है। और आपका परिवार में अभिनंदन है, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के साथ हम सरकार के हर विभाग में हर व्यवस्था में आपको सहयोगी बनाएंगे और आपके माध्यम से अनुसूचित जाति क्षेत्र का भला करेंगे। मेरी अपनी ओर से आपका स्वागत है। जय नहीं करें, मैं पार्टी का गमछा उड़ा करके स्वागत करें। तुम लोग तो ताली बजाओ इधर वाले। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीडी भाई साहब जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जी जिंदाबाद। आज मुझे इस बात का गर्व है कि जिस पार्टी पर पूरा विश्व भरोसा करता है उस पार्टी का मैं एक सदस्य बना हूं। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं एक सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। हम लोग आंदोलनकारी है, लेकिन हमेशा आंदोलन से कोई चीज नहीं होती, संवाद की भी आवश्यकता होती है। तो संवाद के रूप में मैं यहाँ पर सत्ता और संगठन से संवाद स्थापित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में हम किस प्रकार से हमारे समाज का भला कर सके, गरीब तबके का भला कर सके, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर सकते, इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से हमारे आदिवासी जननायकों का इतिहास जो निकल कर आ रहा है, उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लग रही है इंदौर जैसे महानगरों में, आज भवरकुआ चौराहे पे टंट्या मामा की मूर्ति लगना स्थापित करना, भव्य रूप से आज भी वो वहां पर विराजित है। इसलिए ऐसी अनेकों योजनाएं हमारे ट्राइबल क्षेत्रों की, मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनका भी मैं आज विश्वास के साथ यहां पर खड़ा हूं कि मुझे और मेरे समाज को आगे भी इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। साथ ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को, चूंकि मैं भी गांव से आया हूं, जमीन से निकलकर आया हूं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होते हम लोगों ने देखा है। उसी के उदाहरण अनेकों है, बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप सभी को अवगति होगा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय वीडी शर्मा जी, बाकी तमाम संगठन के वरिष्ठ जन, युवा साथी, मेरे साथ और भी युवा साथी लोग आए हैं, इसी विश्वास के साथ आए हैं कि हम समाज स्थापित कर अच्छा हमारे संगठन के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश की जनता के लिए अच्छा करेंगे, इसी उद्देश्य से आज मैंने ज्वाइन किया। धन्यवाद। चलिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।